Fire broke out inside Dreams Mall in Mumbai's Bhandup, which also accommodates a COVID hospital on the third floor. Around 22 fire tenders reached the spot. As many as 76 COVID patients were admitted to the facility, which is located in the mall, were then shifted out. The Sunrise Hospital said in a statement that there were no casualties due to the fire after it was initially reported that two people had died. The hospital clarified that two dead bodies were already in the hospital when the fire broke out. They said when the fire broke out, all patients were shifted promptly. कैसी आग लगी वो मुझे पता नहीं है, अभी मैं तहकीकात कर रही है। लेकिन मॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर दाब है और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अभी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर देख ली है और ये चिंताजनक बात की तहकीकत में कर रहे। लगभग रात को 12:30 बजे ड्रीम मॉल्स में ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था, वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, आग को नियंत्रण करने का काम चल रहा है। प्राथमिक तौर पे जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये आग Level 3 से Level 4 तक की है और लगभग 22 से 23 वाटर टैंक जो है वो कंट्रोल करने का, आग को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। सर कुछ कितने लोगों की आहत हुई है, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी आग की क्या स्थिति है? प्राथमिक तौर पे जो इन्फॉर्मेशन आ गई है उसमें से 2 लोगों अब तक हमने कैजुअलिटी देखी गई है, बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू।